नमस्कार, सप्रियर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एसएस पांडे, आप देख रहे हैं सप्रियर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। अपने ही बच्चों के माता पिता सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जहां हमारा देश तमाम संसाधनों को लेकर आगे बढ़ रहा है, विकास की नई कई सारी योजनाएं दिन प्रतिदिन आती हैं, कानून भी बहुत अच्छे बनाए जाते हैं, लेकिन वह जमीनी हकीकत के रूप में क्यों नहीं बदल पा रहा है। देश की आजादी के इतने वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी लोगों के विचार, लोगों की गंदगी नहीं बदल पा रही है। हमारे आपके समाज में ऐसे ही गंदे कुकृत्य करने वाले लोग मौजूद हैं, जिनकी पहचान हम और आप नहीं कर पा रहे हैं। माँ बाप को हमेशा डर लगा रहता है कि हमारी बच्चियां स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, सुरक्षित घर वापस आ पाएंगी या नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस अबोध बालिका की जिसकी उम्र 3 साल है, उसके साथ ऐसा घिनौना अपराध किया जा रहा है। आज पूरा देश देख रहा है इस जघन्य अपराध को। देखकर लोगों से देखा नहीं जा रहा, लोग सड़क पर उतरने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसे ही देखने को मिला उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मोगरा बादशाहपुर में, जहां कुछ सामाजिक संगठनों ने कैंडल मार्च निकालकर अपनी भड़ास को निकाला। राकेश मौर्य और रामकुमार जायसवाल की खास रिपोर्ट। जिस तरीके की अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, पूरा भारत जलता है। हर परिवार, हर वो माँ, हर वो बहन, वो हर बेटी, हर वो बाप जलता है, और उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती है। इस देश की इतनी बड़ी व्यवस्था, जहाँ 130 करोड़ की आबादी वाला यह देश है, वहाँ का अनुशासन या संविधान का कानून किस तरीके का है, ये मैं नहीं समझ पाता हूँ। जनता हमेशा हर बार चली जाती है। नए नए कानून बनाए तो जाते जरूर है, लेकिन वाकई में अमली जामा या जमीनी हकीकत वाकई में होता क्या है, ये देखने का विषय है। इस तरीके का जो कृत्य और कुकृत्य होता है, कि जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, कि 3 साल की बच्ची के साथ उसका रेप किया जाता है और उसके शरीर को छत पिछत करके, उसके हाथ को, उसके पैर को काट करके फेंक दिया जाता है, और अंत में पता चलता है 3 दिन के बाद उसकी लाश सड़ जाती है। इस तरीके की हत्या हो रही है, इस तरीके से बर्बरी बलात्कार हो रहा 3 साल बेटी का। सोचिए, कौन है माँ बाप जो बर्दाश्त करेगा इसको, और कैसी सरकार है जो इस चीज को देखती है। हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार में पास्को एक्ट बनाया गया। इसके पहले की सरकार में पास्को एक्ट बनाया गया कि 14 वर्ष के नीचे जो भी बच्चियां हैं उनके लिए कानून बनाया गया कि अगर ऐसी बच्चियों के साथ कोई घृणित काम करता है तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। तो एक चीज ये मैं जानना चाहता हूँ सरकार के द्वारा, मैं सबकी नजर की तरफ से ये जानकारी करना चाहता हूँ। आज ये जनता को बहुत तकलीफ है, कोई न कोई इसमें किसी का माँ है, किसी का बाप है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। हर बार ये अपने आप को छड़ा महसूस करते हैं और ये अपने आप को असहज महसूस करते हैं। अपनी बेटियों को ये बाजार नहीं बेच सकते, स्कूल नहीं बेच सकते, कैसे हम इस देश को हाईटेक इंडिया बनाने की बात करेंगे। हमारे देश का कानून है कि 14 साल की नीची बच्ची का अगर बलात्कार होता है तो उसको फांसी दी जाएगी। फांसी देने का प्राविधान क्या है, कितना दिन आप समय लेंगे, कितने दिन तक आप बेतनबाज करेंगे, कोई ऐसा कानून इस भारत में क्यों नहीं बनता। जहां इस देश की आबादी इतनी ज्यादा है, वहां पर इस तरीके से आपराधिक घटना करने वाले लोग क्यों खुलेआम उनको संरक्षण मिलता है, क्यों वो खुलेआम ये घूम रहे हैं। ये जनता आज बहुत आक्रोशित है, बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ में, बहुत कुंठित है। ये मोगरा बादशाहपुर की जनता, अलीगढ़ में 3 साल की बच्ची ट्विंकल की जो बलात्कार हुआ उसकी हत्या कर दी गई, और यहाँ तक कि उसकी बॉडी भी सड़ गई है, पोस्टमार्टम की भी रिपोर्ट आ गई है, सारी चीजें हो गई हैं, और पूरा देश एक गुहार लगा रहा है सरकार से और पुलिस प्रशासन से कि उसको फांसी की सजा दी जाए। मैं बात करता हूँ इन लोगों की तकलीफें मैं जानता हूँ। हमारे बीच में आरके जी मैं बताइए सर, ये आप लोग ये जो कैंडल मार्च निकाले हैं, ये जो शांति मार्च निकाले हैं, क्या इससे आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, और हम लोग यही चाहते हैं कि उसको इतनी कठोर सजा मिले जैसे इस बच्ची को जो है किया गया है, उससे ज्यादा कठोर उसको जो है दंड मिलना चाहिए, उसको फांसी की सजा तो अवश्य मिलनी चाहिए। इसके द्वारा संदेश देना चाहते हैं आम जनमानस में कि सभी जागरूक हो, ऐसे जघन्य कृत्य करने वालों को, दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई, तत्काल उनको फांसी की सजा दी जाए। जब मालूम हो गया है, जब सभी को ये पता हो गया, मीडिया भी बार बार दिखा रही है कि दोषी फला फला है, दो व्यक्ति पकड़े गए हैं, अपराधी हैं, उन पे एक विशेष बोर्ड को बैठाकर एक विशेष टीम को गठित करके 10-15 दिन के भीतर उनको फांसी की सजा दे दी जाए, ताकि कठोर सजा मिलने के बाद
लोगों में इस तरह के अपराध करने की दोबारा हिम्मत ना पड़े। हमारे बीच से जगदम्बा जी बताइए, ये बताइए सर, ये कैंडल मार्च आप लोगों ने निकाला है, क्या लगता है कि भारत की जो व्यवस्था है, इस तरीके से जो अपराध होता है उसको लेकर के क्या ये घटनाएं रुक पाएंगी? सरकार के तरफ से आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं आप बताइए। देखिए, हम लोगों का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है और सरकार शीघ्र उस व्यक्ति ने जिसने इस अपराध को किया है उसके लिए तो फांसी की सजा भी कम लगती है, लेकिन जो है फांसी से बड़ी कोई सजा अपने यहाँ नहीं है, इसलिए कम से कम फांसी उसको दी जाए ताकि किसी और व्यक्ति के मन में अगर ऐसी कोई भावना ही कभी न उत्पन्न हो। आप बताइए सरकार से किस तरीके के कानून की अपेक्षा आप रखते हैं? हम चाहते हैं कि इनका हर इंसाफ हो, तो गलत काम किया है। हर बार जिस तरीके से कई ऐसे निर्भया कांड हुए, बहुत सारे कांड इस भारत में होते हैं, लेकिन समय के साथ जो जस्टिस नहीं होता, न्याय नहीं होता है, उसके बारे में सरकार या कानून हम ये चाहते हैं कि उसका परिवार भी भागीदार है, उसका परिवार को कुर्की दी जाए, तो भर दिया जाए, उसके परिवार का भी कुर्की होना चाहिए। जो ऐसे जघन्य अपराध करने वाले लोग हैं, ऐसे जघन्य अपराध करने वाले जो लोग हैं उनको कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारे विशेष सहयोगी राकेश मौर्य के साथ मैं रामकुमार जायसवाल।